योनः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सः बोल एक बार परम पूज्य गुरुदेव की जय। हमारे बीच में मीरा भाईंदर के मेयर कैटरीना परेरा जी है। तालियों से एक बार जोरदार स्वागत। पूर्णिमा पाल जी आइए। भगवान मुखी शक्ति की पीठ की ओर से, गुरु जी की ओर से, हमारे संस्था की ओर से पूर्णिमा पाल चुनरी ओढ़ा के आपका स्वागत कर रहे हैं। दूसरी मेहमान इसके साथ ही हमारे बीच श्री खंडेलवाल जी भी आए हुए हैं। ये भी कॉरपोरेटर है, नगर सेवक हैं, भाईंदर वेस्ट में मैक्सस मॉल के पास। कैटलिन बहिरा मैडम के साथ ही इन ये भी इलेक्ट होकर चुनकर आए हुए हैं, तो आप इनका भी स्वागत आप ही कर दीजिए। बगला मुझे श्री शक्तिपीठ की ओर से हम आप दोनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैम आपको एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग बताना चाहूंगा यहाँ के बारे में। जब कॉर्पोरेशन इलेक्शन चल रहा था यहाँ पे मीरा भाईंदर का, तो उस समय मैं गुरुजी के पास आया और जो कैलकुलेशन इलेक्शन खत्म होने के बाद व्हेन आई मेट इन ऑफिस, सो देयर वाज सम कैलकुलेशन गोइंग ऑन। ऑन दैट टाइम आई केम टू गुरुजी एंड ही आस्क्ड मी अबाउट द ऑल सिनेरियो कि व्हाट इज हैपनिंग इन मीरा भाईंदर। तो देयर वाज नो साइन एट ऑल कि हु विल बी गेट दैट मेयर सीट। And he, first of all, he directly took your name. So it was just confusing how he got it. Then Kathleen Pereira, तो जाके बोलो ना वही होना। और मेरे को भी कुछ कैलकुलेशन समझ में नहीं आया। तो मैं भी सोचा कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, बट इन्होंने कह दिया तो फिर बोला हो सकता है। On that time when I met there in office, and I just gave him a hint कि maybe that might be a calculation. So that was the surprising thing. And द थिंग इज कि आप फर्स्ट टाइम मीरा भाईंदर के इतिहास में पहली बार, ये हमारे मीरा भाईंदर का सौभाग्य है कि अब ये हम विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये इसका प्रमाण है कि आज हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी, हमें एक यंग चेहरा चाहिए था, हमें एक एजुकेटेड चेहरा चाहिए था जो हमारे शहर का विकास कर सके। और ये सारी खूबियाँ इनके अंदर हैं जिस वजह से आज उस जिम्मेदार पद पर यहाँ पर बैठी हुई हैं। और इनसे काफ़ी लोगों की काफ़ी उम्मीदें भी हैं और होप मैम इज़ वेरी कैपेबल टू डू इट, बिकॉज इनका जो 5 साल का पिछला कार्यकाल वहाँ पर रहा हुआ है एज अ कॉरपोरेटर, इट वॉज वंडरफुल, बहुत ही सुपर कार्यकाल इनका वहाँ पर रहा है। आप लोगों से जाहिर है कि इनका उस कार्यकाल के लिए स्वागत करें। और मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दो शब्द यहाँ के लोगों को कुछ कहें। यहाँ पे बगला मुखी आश्रम में मुझे बुलाया, गुरुजी आपको प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहनों बहुत खुशी लग रही है यहाँ पे एकदम ऐसा वातावरण देख के।
गुरुजी आपने क्या सोच के मेरा नाम लिया होगा महापौर के लिए मुझे पता नहीं है, पर यही बोलूंगी कि आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे पीछे रहे और मुझे हमेशा आपके प्रार्थना में रखे। और जैसे आपने कहा कि मेरे मम्मी का, तो आज से 10 साल पहले आपने स्वागत किया होगा, बहुत अच्छा लग रहा है वो सुन के। और जैसे मेरे मम्मी का और डैडी का हमेशा आप लोगों को साथ रहा है, ऐसे मैं भी गुरुजी आपके साथ में हूँ, यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहनों के साथ हूँ। कभी भी आप मुझे याद कीजिए गुरुजी, मैं हमेशा यहाँ पर उपस्थित रहूँगी, जो भी काम होगा मैं यहाँ से कुछ भी एनी टाइम आपको करके दूंगी। और आप लोगों को सबको नवरात्रि और दशहरा के हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। बैठे 5 मिनट, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि नवरात्रि में होते जाना है। कुछ साल पहले मैंने उनको बताया, सौभाग्य की बात से उस टाइम 111 कुंड बगलामुखी यज्ञ का यहाँ आयोजन था, यही वातावरण बना था जैसे आज बादल गरज रहे हैं, वही बगलामुखी का 3 दिन का यज्ञ की पूर्णाहुति पे। हमारे गुरु जी बताते हैं कि ये माँ का जब ये होता है पूर्णाहुति, तब कोई भी बड़ी व्यक्तित्व आती है, वो हमारे साधक सब जानते हैं कि कोई भी बड़ी व्यक्तित्व आती है। कुछ साल पहले आपकी मम्मी का यहाँ स्वागत हुआ था, तब यहाँ का विकास नहीं हुआ था, मीरा भाईंदर का विकास भी इतना नहीं हुआ था, उस टाइम गुरु जी ने उनको ये किया था कि ये मीरा भाईंदर का विकास आप 10 साल में देखेंगे। और आज इतने साल बाद उनकी ही बेटी मेयर बनके यहाँ आ रही है, एक बार जोरदार स्वागत आपका। बोलिए बगला भाई जी। जय। मैंने इनको देखा तो मुझे बैक में हम लोग पहुंच गए, मेमोरी तो कहीं भी जाती है। मैं देख रहा था कि बगला भाई का चमत्कार, जब पहली बार इनकी मम्मी आई थी यहाँ, वो यहाँ का पहला बड़ा कार्यक्रम बस, तो लोगों ने कहा गुरु जी हम लोग बुलाएं। मैंने कहा बुलाओ, देवी के स्थल पर अगर स्त्रियाँ आती हैं तो बहुत बड़ी बात है, तो क्या जरूर बुलाइए। आई, उन्होंने यहाँ क्या चमत्कार देखा वो तो उन्हीं से पूछिएगा, लेकिन उस टाइम की वीडियो सीडी बनी, मैं वो सीडी 2-4 दिन में आपके पास गिफ्ट दे, तो ये पता चलेगा कि जब जब जो उस समय कहा गया वो सब कुछ आज सत्य हुआ, और जितने मेरे फोरकास्ट थे सब पब्लिकली थे। तो जैसे विकास ने पूछा गुरु जी यहाँ कौन बनेगा, अब आदित मेरे पास सभी हैं, लेकिन बनेगा कौन ये तो ईश्वरीय प्लान होता है ना, उसे मेरा कुछ पर्सनल योगदान ऐसा नहीं कि नहीं मैं कुछ कर रहा हूँ करा रहा हूँ। तो मैंने फट से कहा कि पहले नाम बताओ कौन कौन है देश में, तो विकास ने बोला, और उस समय मैं यहाँ नहीं था, मैं था तिरुपति बालाजी के दर्शन के, तो मैंने वही कह दिया कि यार जाओ ये लेडी है कौन, मैंने नाम मुझे नहीं मालूम था, तिन्होंने कहा कि महाराज की बेटी है, तो मैंने कहा महाराज की बेटी है महाराज मेंडोसा ने, बोले हाँ, मैंने कहा गिलबर्ट मेंडोसा, बोले हाँ, मैंने कहा जाके बोल दो मेयर भाई। तो ये क्योंकि ये तो देवताओं का चयन है। अभी जैसे हमारे बीच में मिर्जा संपत है, 4 साल पहले मैं वहाँ था तो इलेक्शन हो रहा था ओबामा का और बुश का, तो लोगों ने पूछा गुरु जी कौन जीतेगा, मैंने फट से बता दिया, और मैकेन था, बुश तो नहीं था मैकेन था, तो संपत को बता दिया कि ये तो नहीं जीतेगा ये जीतेगा, और अब की बार भी कौन जीतेगा अमेरिका, वो भविष्यवाणी में अमेरिका में करके आया हूँ, मैं जल्दी भविष्यवाणियाँ करता नहीं हूँ लेकिन कभी कभी करना पड़ता है, केवल इसलिए कि लोग ये जाने कि बगला पीठ पे कुछ है। मुझे बड़ी खुशी है आपका स्वागत करके देख करके, और ये तो मुझे मेरी बेटी जैसी क्योंकि नेता मैंने दिखी थी, नेताओं को लक्षण देख भी नहीं लग रहे। एनीवे बगला माई की बेटी हम सबकी बेटी, और आप सभी लोग इनके लिए शुभकामना करें, और खंडेलवाल जी आपकी भी कुछ इच्छा हो तो सबको बोलने की तो आप कह सकते हैं, और अगर आप 5 मिनट समय दें तो पूर्णावृत्ति का समय हो चुका है 9:15 बजे, तो हम आपके यहाँ से पूर्णावृत्ति करा दें, कोई बात नहीं, तो खंडेलवाल जी को बोलना चाहेंगे, ठीक है इनको ले जाओ, सुंदर मार्गदर्शन करा दो, ठीक है।
एक नारियल लेकर हम कुंड पे अपने मार्गदर्शन कर रहे हैं। ओके गुड लक है, ऑल द बेस्ट। अरे ये लो, जाते जाते नहीं ना, एक हमारी पूरी फैमिली के लिए मैंने अपने मोमेंट याद करके मैं एक पर्सन मुझे मेरी जरूरत पड़े अपना घर। अब हम लोग अपने कार्यक्रम पर आ जाए, आपका पूरा हो गया, लास्ट रह गया फूलों वाला, उसके बाद महालक्ष्मी वाला। तो फूलों की पंखुड़ी आप लोग रिहर्सल को आप समाप्त करेंगे। कैसी वो वहीं रहने दो, जो जहाँ वहीं रहने दो, खाली आप थोड़ा ध्यान कर लो, गुरु मंत्र बोल लो। ओ हो ज़्यादा